हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बोल टीचर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पनीर मसाला बनाने वाली हूँ जो तुरंत ही मुंह में घुल जाए, खाते ही मुंह में। इसमें ये प्याज दिया है, दो प्याज है और चार पांच लहसुन की कलियां हैं और हरी मिर्च है। डाल के मैं इसे चॉपर में चॉप कर रही हूँ। चॉप करने के बाद मिलते हैं। तो आज मैं पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। ये देखिए, चॉप किया हुआ टमाटर है जिसे प्यूरी बना लिया है, टमाटर प्यूरी है। ये जिंजर गार्लिक और लहसुन, वही जिंजर गार्लिक पेस्ट चॉप कर लिया है और ये हरी मिर्च भी को चॉप कर लिया है, सबको चॉप कर लिया है। ये हमारा मसाला है, ये हमारी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये जीरा है और ये हमारा। अब कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें जीरा डाल देती हूँ और ये चॉप या अनियन, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च डालती हूँ। ये देखिए, डाल के मैं इसे चलाती हूँ और इसी समय मैं नमक डालूँगी जो आपको दिख नहीं रहा है। उससे मैंने थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई था, नहीं दिखा पाई। और इसमें टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया हमारा, इसलिए मैं उसके बाद टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। टमाटर प्यूरी डालने के बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। दो मिनट चलाने के बाद सारे मसाले डालूँगी। ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और सबको मिक्स कर दूँगी। ये सारे मिक्स हो गए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मसाला फ्राई करने के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। अब ये देखिए, हमारा मसाला फ्राई हो गया अच्छे से। अब इसमें पनीर डालूँगी। मसाला पनीर है तो पनीर तो डालना बनता है दोस्तों। अब इसमें पनीर डालूँगी। ये देखिए, पनीर मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको मिक्स करके ढक के पकाएंगे दो मिनट और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा पानी भी हो गया, इसमें पनीर मसाला डाल रही हूँ और ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए, एक छोटी चम्मच पनीर मसाला डाली हूँ और एक हाफ छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ और ये हमारा पनीर मसाला बनके तैयार है। दोस्तों, आप भी खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।